हे गाइस, दिस इज एक्सोटिक गेमिंग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे होती थी एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि आप लोग टीडीएम तो बहुत अच्छा खेलते हो बट क्लासिक पे आप लोगों की वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जैसे आप लोग टीडीएम पे परफॉर्म करते। तो देखो, मैं इस वाली वीडियो में ना आप लोगों की सारी पॉइंट कवर करूंगा कि क्यों टीडीएम पे हम अच्छा परफॉर्म करते और क्यों क्लासिक पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और कैसे हम अपनी गेम प्ले क्लासिक पे भी इंप्रूव करेंगे, वो सारा कुछ भी मैं बताऊंगा। एंड अगर आप लोग क्लासिक पे अच्छा परफॉर्म करते बट टीडीएम पे उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते तो मैं आप लोगों को इसकी भी टिप्स दूंगा कि कैसे आप लोग अपनी टीडीएम की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना एंड एंड तक जरूर देखना एंड आई एम श्योर डेफिनेटली आप लोगों को अपनी गेम प्ले में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलो हम इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हम टीडीएम पे क्यों अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं एंड क्लासिक पे क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, एंड सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा एंड टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी टीडीएम एंड क्लासिक दोनों ही की गेम प्ले इंप्रूव कर पाओगे। तो अभी आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं मैं जो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टीडीएम एक बहुत ही छोटा मैप होता है, आप चार बंदे होते हैं, आपके ओपोनेंट चार बंदे होते हैं। आप लोगों को कभी कभी इनफैक्ट पता होता है कि कब बंदा कहाँ से आ सकता है एंड इवन आप लोगों को ये भी पता रहता है कि कौन बंदा कहाँ पे टीपी पे ले सकता है। तो आप लोगों को टीडीएम में सिर्फ स्किल चाहिए होती है, उतनी ज़्यादा गेम सेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है टीडीएम में। तो अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत भी स्किल है, आप लोग टीडीएम में इसलिए बंदे को 1v1 में मार दोगे या फिर दो तीन बंदे साथ में आ रहे उन्हें भी मार दोगे, बट क्लासिक पे ऐसा नहीं होता क्योंकि क्लासिक पे आप लोगों को स्किल के साथ साथ गेम सेंस होने भी जरूरी है। क्योंकि क्लासिक पे आप लोगों को एक बड़ी मैप होती है, वहां पे आप लोगों को पता नहीं होता कि कब कौन बंदा किस डायरेक्शन से फ्लैंक कर रहा, कौन नेड कर रहा, कौन क्या कर रहा, आप लोगों को पता नहीं होता। लेकिन टीडीएम पे होता क्या है कि मोस्टली बंदे सीरियस नहीं रहते टीडीएम पे, इसलिए कैजुअली कैसे भी बंदे पे पुश कर देते, कोई फ्लैंक कोई नेड वगैरह नहीं करते। एंड टीडीएम में बहुत ही छोटी सी जगह होती है, वहां पे आप लोगों को पता होता कि कब कौन बंदा कहां से आ सकता, आप वहां पे फ्री फायर देके उन बंदे को मार सकते हो। तो हमारी सेकंड रीजन है कि आप लोग टीडीएम पे क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड क्लासिक पे क्यों नहीं कर पाते, वो है आप लोगों की कॉन्फिडेंस। आप लोग टीडीएम जो खेलते हो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर खेलते हो, क्योंकि आप लोगों को पता रहता है कि अगर यहाँ पे मैं किल हो गया तो मैं फिर से रिस्पॉन होकर आ जाऊंगा, यहाँ पे मुझे कोई माइनस वगैरह का डर नहीं रहता। बट जब आप लोग क्लासिक खेलते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को दो चीज का फेयर रहता है, एक तो आप लोगों को अपनी केडी की फेयर रहती है, दूसरी आप लोगों को माइनस नहीं लग जाए हमारा। इसलिए आप लोग टीडीएम पे इतना अच्छा परफॉर्म करते क्योंकि वहाँ पे आप लोग फुल कॉन्फिडेंट होकर खेलते हैं, इसलिए आप लोगों का नेचुरल गेम प्ले निकल कर आता है। और वहीं आप लोग क्लासिक पे क्या करते हैं, पैनिक कर जाते। क्यों करते हैं पैनिक, दो रीजन की वजह से, एक तो आप लोगों की केडी या फिर आप लोगों को माइनस का डर रहता है उसके वजह से आप पैनिक कर जाते हो और आप लोग अपना नेचुरल गेम प्ले शो नहीं कर पाते क्लासिक पे। तो जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो अभी आप लोग खुद ही रिलेट कर पाओगे, इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। देखो क्लासिक पे आप लोग क्या करते, जब भी आप लोग किसी बंदे को डैमेज देते हो और वो बंदा आप लोगों को डैमेज देता है, आप लोग कॉन्फिडेंट रहते कि मैंने उसने ज्यादा डैमेज दिया, बट फिर भी कभी कभी आप लोग डरते हो उस बंदे पे पुश करने के लिए। तो आप लोग फिर फर्स्ट एड लगाने बैठते हो, लेकिन उतनी देर में वो बंदा आता है और आप लोगों को फिनिश करके चले जाता है। फिर आप लोग जब उसे एक्सपेक्टेड करते तो आप लोग देखते कि यार यार मैंने पूछ क्यों नहीं किया क्योंकि इसके एचपी तो कम थी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। और आप लोग टीडीएम पे क्या करते हैं, आप लोगों को पता रहता है कि यार मेरी एचपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्टली उस बंदे पे पुश कर देता हूं। इसलिए जब टीडीएम पे भी कम एचपी हो तो ट्राई करना बंदे पे पुश करने की और देखने की आप उसे किल कर पा रही हो या नहीं। अगर नहीं कर पाते तो आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कर देते तो काफी अच्छी बात। तो हमारी जो थर्ड रीजन है, पता नहीं ये आप में से कितने बंदे ने नोटिस किया बट मुझे ऐसा फील होता है कि जो हमारी एम असिस्ट होती है ना वो क्लासिक पे उतने अच्छे से काम नहीं करती जितने अच्छे से वो टीडीएम पे करती। क्योंकि मैंने बहुत बारी नोटिस किया जब भी मैं क्लासिक पे किसी भी बंदे को हिप फायर देते रहता हूँ तो उतनी मेरी हेड कनेक्ट नहीं होती जितनी मैं टीडीएम में हेड कनेक्ट कर लेता हूँ। अब पता नहीं मुझे रियलिटी में ऐसा है कि नहीं बट मैं जब भी खेलता हूँ मुझे ऐसा फील होता है। तो आप लोग भी नोटिस करना, आप लोगों को भी अगर यही प्रॉब्लम हो रही तो मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपनी टीडीएम में एम असिस्ट ऑफ करके खेलो और क्लासिक में अपनी एम असिस्ट ऑन रखो। तो अगर आप लोग टीडीएम एम असिस्ट ऑफ करके खेलते तो आप लोगों की एम एक्यूरेसी वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप लोगों को क्लासिक में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड अगर आप लोगों की एम असिस्ट सही से वर्क करती तो भाई आप लोगों की मर्जी, ऑन करके खेलनी ऑन करके खेलो, ऑफ करके खेलनी ऑफ करके खेलो, बट क्लासिक में ऑन रखना अपनी एम असिस्ट। तो फिलहाल ये कुछ रीजन हो सकती है जिसके वजह से मे बी आप लोगों की क्लासिक की गेम प्ले इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। तो अब मैं आप लोगों को कुछ सोल्यूशन एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग अपनी अगर क्लासिक पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो क्लासिक की गेम प्ले इंप्रूव कर पाओगे और अगर टीडीएम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो टीडीएम की गेम इंप्रूव कर पाओगे। एक्चुअली इतनी रीजन नहीं थी, और भी रीजन थी बट मैंने आप लोगों को सिर्फ इतनी बताई क्योंकि इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा।
तो अगर आप लोगों को अपनी टीडीएम की गेम प्ले इंप्रूव करनी है ना, सबसे बेस्ट टिप आप लोगों के लिए यही होगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1v1 टीडीएम खेलो। इससे आप लोगों की जो फाइटिंग स्किल है ना वो इंप्रूव हो जाएगी एंड गन पावर की भी स्किल है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आप लोग अपनी क्लासिक की गेम प्ले इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्विक मैच खेलो। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग आई बटन पे जो वीडियो आ रही है सिंपली वो वाली वीडियो चेकआउट कर लो, उस पर पूरी मैंने रीजन एक्सप्लेन की है कि क्विक मैच की क्या एडवांटेजेस है एंड इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आप लोगों की क्लासिक की गेम प्ले में। तो वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो हमारी सेकंड टिप जो है जिससे आप लोगों को अपनी क्लासिक की गेम प्ले इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी, वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्क्रीम्स या फिर कस्टम्स खेलो। इससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक आप लोगों को कैसे फ्लैंक करनी है, कब फ्लैंक करनी है, कब रोटेशन देना है, कैसे पुश करना है, ये सारा कुछ अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोगों की ये सारी चीज भी डेवलप हो जाएगी और आप लोगों की गेम सेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आप लोग जरूर से ट्राई करना। और अगर आप लोगों को अपनी टीडीएम की गेम प्ले इंप्रूव करनी है तो आई बटन पे जो वीडियो आ रही है आप लोग सिंपली वो वाली चेकआउट कर लो। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जिससे आप लोग अपनी टीडीएम की गेम प्ले इंप्रूव कर पाओगे और डिस्क्रिप्शन से भी जरूर से चेकआउट कर लेना, उस पर काफी सारी इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिंक दी है मैंने। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।